अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शवरमा बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि मैंने घर में बनाया। वैसे तो पाकिस्तान में भी मैं अक्सर घर में ही बनाती थी क्योंकि मेरे बच्चों को घर का शवरमा ही पसंद है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये था कि वहाँ पर मैं शवरमा ब्रेड बाज़ार से मंगवाती थी। जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए तो यहाँ का शवरमा खाया तो वो तो टोटली डिफरेंट था पाकिस्तान से, ख़ास तौर पर उसकी ब्रेड बिल्कुल चेंज थी। मेरा बेटा तो पहले ही शवरमा घर का पसंद करता था तो कहता कि मामा आप घर बना कर दे, लेकिन शवरमा ब्रेड यहाँ से पाकिस्तान जैसी नहीं मिलती। फिर मैंने अपने बेटे के लिए शवरमा ब्रेड जो है घर में खुद बनाई तो सोचा साथ आपसे भी शेयर कर लूँ। तो इसके लिए सबसे पहले, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो बहुत आगे पहुँच गई है और मैं तो अभी तक इंट्रो ही दे रही थी, तो देखिए मैंने मैदा जो है 2 कप लिया है। इसमें नमक 1 टेबल स्पून डाला है, चीनी 1 टेबल स्पून ऐड की है, ईस्ट 1 टेबल स्पून, बेकिंग पाउडर 1/4 चम्मच और ऑयल 3 टेबल स्पून जो है ना इसमें ऐड करके ना मैंने फिर इसको पहले सही तरह मिक्स किया, फिर इसको नीम गर्म पानी के साथ मैंने इसको गूंद लिया। चूँकि जो आटा होता है ना ये चिपक रहा होता है बार बार, तो इसको ज़रा स्टे दे दे के ना मैंने इसको गूंदा था, स्टे दे के ज़रा, तो आपको पता है दूसरा आम आटा भी हम जब गूंदते हैं तो वो रखने से ज़रा स्मूथ हो जाता है, फिर बाद में गूंदने से फिर जो है ना वो सही हो जाता है। अब मैंने इसको उस बॉयल को जो है ना ग्रीस किया है, आटा वहाँ पर है उसको मैं दोबारा गूँध कर फिर इसके अंदर डाल दूँगी और फिर इसको एयर टाइट करके रख दूँगी। एयर टाइट करने के बाद इसको रूम टेम्परेचर पर रखना है। रूम टेम्परेचर में रखने के बाद जब ये फूल जाएगी 2-3-4 घंटे में जब फूल जाएगी तो उसके बाद फिर इसका हम शवरमा ब्रेड बना लेंगे। ठीक है, ये देखें ये डो हमारी, मैं इसको फिर दोबारा गूंद रही हूँ। अगर फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में लाइक और कमेंट भी कर दें और लोगों से शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए। ये देखें मैंने इसमें बॉल में ये डाल दिया। ठीक है, तो अभी देखिए ऐसे भी अभी डो ऐसे चिपक रही है, लेकिन ये कि ये अभी इसको मैंने अब एयर टाइट कर दिया है तो बाद में जब इसको खुश्का जो है डाल के मैदे का ही जो होता है मैदा डाल के जब करेंगे तो उसके बाद ये बिल्कुल सही हो जाएगी इसकी डो। अब ये देखें बिल्कुल स्मूथ लग रही है। अब हम चिकन की तैयारी करते हैं। चिकन बोनलेस चिकन लिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालना, ज़्यादा नहीं डालना। तो मैरिनेट मैंने नहीं किया चिकन, कुछ लोग मैरिनेट कर लेते हैं, मैंने इसको ऐसे ही पकाती हूँ, सिंपल सा बनाती हूँ शवरमा, मैं बिल्कुल सिंपल बनाती हूँ। इसके अंदर जस्ट मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई करके इसको वाइट किया है। वाइट करने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून नमक और इसके अंदर चाट मसाला डालना है, मैंने काली मिर्च डालूँगी, सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस, कुटी लाल मिर्च भी। ये चीज़ें जो है ना सिर्फ मैंने जैसे इसको ऐड करनी है और इसको बस इसका पानी खुश्क होने तक मैंने इसको पकाना है। ये देखें सब चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं, अब इसको पानी खुश्क होने तक इसको पकाऊंगी। देखिए फ्लेम इसका मैंने तेज़ कर दिया है और इसको मैं पानी खुश्क होने तक पका रही हूँ। देखिए अभी इसका पानी खुश्क हो गया है। पानी खुश्क होने के बाद मैं थोड़ी सी शिमला मिर्च जो है काट के इसके अंदर डाल दूंगी और साथ में इसको दम दे देना है। इसको पकाना नहीं है, जस्ट इसको दम पे ही लगाना है, लो फ्लेम पे, बस 2 मिनट के लिए। उसके बाद हमने इसकी फ्लेम जो है इसको बंद कर देना है। अब ये देखिए सिर्फ 2 मिनट के लिए मैंने इसको पकाना और उसके बाद इसको फ्लेम इसकी मैंने स्विच ऑफ कर दी है। ठीक है, ये देखिए हमारा ये चिकन रेडी है। अब देखिए हमारी डो जो है हमारी रेडी हो गई है। अब इसको दोबारा मैं गूंदूंगी। ये देखिए मैं इसको गूंद रही हूँ, अभी हमारी स्मूथ हो गई है इसकी डो। अब ये मैंने इसके मैदा नीचे डाला है और इसके ऊपर इसको मैं इसको गूंदने के बाद इसकी मैं पेड़े कर लूँगी। पेड़ों को जो है इसको स्टे नहीं दूँगी, पेड़ों को साथ ही बेलेंगे। जो बेला हुआ होगा उसकी जितना शवरमे की ब्रेड होती है जितना साइज होता है उतना मैं उसको बेल लूँगी, थोड़ा सा उसको स्टे दूँगी 10 मिनट स्टे देने के बाद फिर मैं उसको पका लूँगी। ये देखिए मैं इसको पेड़े कर रही हूँ। जिस तरह आप इसका साइज़ बनाना चाहे, जिस तरह मैंने तो छुरी के साथ काटा है आप वैसे ही कर लें बेशक जैसे आपको आसानी हो। ये देखिए मैं इसके पेड़े कर रही हूँ, उसको बेल रही हूँ। Thank you.
रोटी को मैंने बेल लिया है, इसको मैं स्टे दूँगी 10 मिनट के लिए, बाद में इसको पका लेंगे। ये देखिए मैंने इसको लो फ्लेम है बिल्कुल, और इसको बेले हुए को मैंने ऊपर डाल दिया है बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो इसको एक साइड से थोड़ा देर पकाऊंगी, फिर इसकी साइड चेंज कर ली है, दोनों साइड से थोड़ा सा पकाना है मैंने, और इसको उतार लूँगी। फ्राई इसको बाद में करेंगे, पहले मैंने सारी ब्रेड को इसकी 7 शवरमे बने थे, 7 जो है इतनी डो के जो है ना 7 शवरमा ब्रेड बनी थी। तो और ये देखिए मैंने रख ली है, ये पका ली है मैंने दोनों साइड से, और मैंने इसको रेड नहीं किया, रेड इसको जब इसको घी लगाएंगे तब उसके साथ थोड़ा सा इसको रेड करेंगे। मैंने ये देखिए कितनी अच्छी हमारी ये पक रही है, ये बहुत टेस्टी बनी थी, तो है भी इजी है, जल्दी बन जाता है इसको। मैंने बिल्कुल सादे तरीके से बनाया था शवारमा, कोई वो होता है ना कुछ रेड सॉस और वाइट सॉस डालते हैं। अच्छा ये देखिए मेरे सब रेडी है शवारमे की ब्रेड, और साथ में मैंने ये बाकी सलाद भी काट के रख ली हुई है, उसमें सिरका डाल के रख लिया था। अब मैं इसको शवारमे की ब्रेड को फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा सा मैंने घी डाला है, उसको दोनों साइड से थोड़ा हल्का हल्का फ्राई कर लूँगी, और उसको फिर उसके बाद में हम इसको चिकन ऐड करेंगे और सलाद ऐड करेंगे। सलाद के लिए मैंने इसको पहले ही जो है ना गाजर बन को भी मायोनीस रेडी करके रखी हुई है, और केचप रेडी करके रखी हुई है, और उसमें जो शिमला मिर्च है मैंने उसके अंदर पहले डाल दी है, और गाजर है, प्याज रेडी किया हुआ है मैंने। तो अब ये देखिए मैं इसको पहले इसको मायोनीस लगाऊंगी, ये देखो मायोनीस हमारी लग गई है। इसके बाद चिकन हम सेंटर में इसके अंदर डाल देंगे, इसके अंदर अब मैं सलाद जो है ना जो कटी हुई सलाद है, इसके बाद अब मैं केचप डाल रही हूँ, केचप के बाद मैं सलाद ऐड कर दूँगी। ये देखें केचप है, ये अब इसके अंदर खीरे ऐड कर रही हूँ, आप अपनी पसंद से तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ लोग अनियन पसंद नहीं करते, कुछ अपना अपना टेस्ट होता है, जैसे आपकी पसंद हो आप कर सकते हैं। बंद गोभी भी डाल रहे हैं, जो जैसे मेरी टेस्ट था मैंने कर लिया, और ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया, इसका बहुत टेस्टी बनता है, जल्दी बन जाता है। वाइट सॉस और रेड सॉस लोग बनाते हैं शवारमे के लिए, वो भी मज़ा आता है, लेकिन ये सादे तरीके से भी बनाया है ये कि बहुत टेस्टी है। मायोनीज और केचप जब डबल टेस्ट हो रहा है तो ऑटोमेटिक मज़ा आता है। अब ये देखें इसको मैंने ऐसे इसको मैंने किया है, दूसरी तरीके से भी रोल कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से मैंने इसको उस दफ़ा बनाया था। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।